हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है लिमिट्स। लिमिट्स इतना इंटरेस्टिंग से समझेंगे दोस्त कि आपको याद ही हो जाएगा। फर्स्ट टाइम देखेंगे, फर्स्ट टाइम ही याद हो जाएगा, क्योंकि लिमिट जो है ना कैलकुलस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप कैलकुलस में लिमिट नहीं पढ़े तो समझो कि कैलकुलस में कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलस के जितने भी फॉर्मूलाज होगा वो सारे फॉर्मूलाज का प्रूफ अगर देखोगे तो लिमिट से ही होता है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पड़ोसी की कहानी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पड़ोसी क्या चीज़ होता है, तो आप लोग सुन के ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि सर पड़ोसी के बारे में बताने वाले हैं। तो आज सही समझे आप लोग कि मैं पड़ोसी के बारे ही बताने वाला हूँ, जिसे कहा जाता है नेबरहुड, यानी पड़ोसी के कहानी के बारे में ही। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है आज का, जो नेबरहुड के बारे में बताएंगे और लिमिट के बारे में बताएंगे। लिमिट का मानी होता है सीमा, और सीमा जो भी रहता है कि किसी का चीज़ का जो सीमा तक आप जाना चाहते हैं तो लिमिट से ही पता चलेगा कि किसका सीमा कहाँ तक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पड़ोसी का सीमा भी कहाँ तक होता है तो इस लिमिट से ही पता करेंगे। तो टाइम नहीं लेते हुए हमारे YouTube चैनल SM में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं SM मैथ क्लासेस का लिमिट, यानी पहला जो आपके पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैलकुलस। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलस। कैलकुलस का पहला टॉपिक जो होता है वो लिमिट है और एक फंक्शन है। तो लिमिटिंग फंक्शन के बारे में ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लिमिट्स का मतलब होता है सीमा, जिसका पुलर रूप से होता है लिमिट्स। और लिमिट्स में जो वैल्यू फाइंड आउट होता है वो लिमिटिंग वैल्यू जो होता है, यानी सीमांत मान, वो टू टाइप्स से वैल्यू फाइंड आउट होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन का जो हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे तो वो टू टाइप्स से वैल्यू फाइंड आउट होगा। और वो वैल्यू पहला होगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और दूसरा होगा एक्यूरेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जिसे हिंदी में कहते हैं लगभग मान, और एक्यूरेट वैल्यू जिसको हिंदी में कहते हैं निश्चिंत मान। तो हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये पड़ोसी की जो कहानी है, यानी नेबरहुड जो है उसके, जो हम लोग पड़ोसी की कहानी नेबरहुड को जो पढ़ेंगे वो एक रियल नंबर का होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नंबर बहुत टाइप्स के होते हैं, जिसे 15 टाइप्स के नंबर की स्टडी किया जाता है। तो उसमें से एक रियल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी जो भी बात होगी एक रियल की बात होगी, ना कि इमेजिनरी की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पड़ोसी को समझते हैं अच्छी तरह से। चलिए देखिए यहाँ पे एक, मान लिए कि नंबर लाइन ले लिया आपने, और एक मिडिल पॉइंट्स आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसमें दो प्रकार का आपके पड़ोसी हो गया। जीरो के जो आपके पास राइट हैंड है तो इसको राइट हैंड कह दिया हम लोग ने, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और इसको हम लोग क्या कह दिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये दो तरह का पड़ोसी हो गया और एक रियल नंबर है। इन समान बेस पे ले लेंगे, जैसे कि ये वन हो गया तो इधर भी आपके पास माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड है तो ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे दूसरा पॉइंट ले लेते हैं टू, इधर भी ले लेंगे माइनस टू, इधर भी ले लेंगे जैसे थ्री ले लेंगे तो इधर भी ले लेंगे माइनस थ्री। तो इसी तरह से आप इस नेबरहुड को समझने की कोशिश करेंगे कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या नेबरहुड की वैल्यू रहता है, इस चीज़ को देखेंगे। ये सारे नंबर आपको दिख रहा है कि ये रियल नंबर का है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे कि रियल नंबर है, जैसे यहाँ पे वन है आप देख रहे हैं, तो ये वन जो है ये राइट है आपके पास, राइट नेबरहुड। नेबरहुड और ये हो गया आपके पास लेफ्ट नेबरहुड। नेबरहुड अब चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे वन ले लिया, वन का अगर नेबरहुड देखोगे राइट में अगर आप देखते हैं तो इस जगह पे क्या हो जाएगा कि 1.00001 हो सकता है इसका नेबरहुड। और चलिए देखिए यहाँ पे अगर इसी का लेफ्ट हैंड अगर लेते हैं
लेफ्ट हैंड, यानी अगर इसका ले लेते हैं, अगर राइट में, इसमें भी लेफ्ट और राइट होता है, जैसे इसका राइट में ले लिया आपने तो इसमें बढ़ गया, और इसमें अगर लेफ्ट में इसी का नेबरहुड में लेफ्ट में लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा 0.999 होते हुए जाएगा, यानी आपके पास 0.99 नेबरहुड मतलब पड़ोसी जो होता है बहुत ही कम क्या होता है परिवर्तन होता है। उसी तरह से अगर इस नेगेटिव का अगर देखेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस में हो जाएगा 0.9999 आ जाएगा, और इसमें अगर इस लेफ्ट हैंड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1.00000 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है नेबरहुड के बारे में बताया जाता है कि ये नेबरहुड, पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये जो रियल नंबर का नेबरहुड होता है इसी से लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट होता है, इसीलिए कहा जाता है अप्रॉक्सीमेटरी वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि जब भी लिमिट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इनमें दो वैल्यू को फाइंड आउट करना ही होगा। और इस जगह पे एक बात आती है टेंडेंसी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अग्रसर करना, और इसका सिंबल जो होता है ये एरो होता है, ये टेंडेंसी, और शॉर्ट में हम लोग कहते हैं इसको टेंस। तो इसको पढ़ते हैं टेंस टू, इसको रीडिंग करने के लिए आप इस एरो को पढ़ते हैं टेंस टू। जैसे इस नेबरहुड के लिए यही टेंस टू ही आपके पास बताता है कि कौन राइट हैंड का प्रोग्रेस है और कौन लेफ्ट हैंड प्रोग्रेस है। जैसे कि राइट हैंड में आप लोग ने आपने देखा प्लस में है, लेफ्ट हैंड में क्या है माइनस में। तो किसी भी संख्या का जब नेबरहुड के बारे में बात करेंगे, जैसे एक्स टेंस टू जीरो आपने ले लिया, क्योंकि जीरो पे हम लोग क्या करते हैं क्लियर करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग कि टेंडेंसी के बारे में, ये टेंडेंसी मतलब क्या होता है अग्रसर करना, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में लिखते हैं टेंस, और लिखते हैं पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं टेंस टू। जब हम लोग किसी भी नेबरहुड को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड और ये क्या है राइट हैंड, और जब जीरो पे हम लोग क्या करते हैं इसको डिसाइड किए हैं, जैसे कि आपके पास ये जीरो से राइट हैंड है और ये क्या है लेफ्ट हैंड है। इसको इस नंबर लाइन को हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर इसका नेबरहुड देखना है कोई भी रियल नंबर का, जैसे कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और क्या है 4 है, इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब ये आपके पास और लेफ्ट हैंड टेंडेंसी भी कहते हैं, और इसको राइट हैंड टेंडेंसी भी कहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का हो या लेफ्ट हैंड टेंडेंसी का हो बात बराबर ही होता है। और इस जगह पे मैंने ले लिया कि एक्स टेंस टू 3। अब इस 3 का नेबरहुड को समझने की करेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक्स टेंस टू जो 3 है तो इसका आपके पास ये राइट हैंड नेबरहुड है या लेफ्ट हैंड नेबरहुड है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये आपके पास 3 पॉइंट्स है, क्या है 3 है। अब 3 का जो हम लोग चेक करेंगे कि ये 3 जो है तो 3 क्या है कि राइट हैंड कैसे डेवलप करता है, लेफ्ट हैंड में कैसे होता है। तो आप जैसे राइट हैंड को लेते हैं तो 3x → 3 to the power क्या कर देंगे हम लोग प्लस कर देंगे, इससे समझ में आता है कि ये राइट हैंड टेंडेंसी है। और जब यहाँ पे 3 पे पावर x → 3 पर पावर नेगेटिव कर देंगे तो इससे हमको समझ में आएगा कि ये क्या है लेफ्ट हैंड टेंडेंसी है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसी में आपके पास दो प्रकार का भी काम होता है, जैसे इससे आगे अगर देखेंगे और इससे क्या करेंगे पीछे की दो देखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे जैसे आगे देखते हैं तो 3 पॉइंट जब ये क्या करता है बढ़ता है यानी अग्रसर करता है तो 3.00001 यानी बहुत ही कम परिवर्तन होता है, यानी स्मॉल चेंज जिसे कहा जाता है कि स्मॉल चेंज होता है। उसी तरह से अगर इसको देखोगे तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ का पॉइंट अगर देखना चाहोगे इसका और इसका पॉइंट, जैसा आपने ये चीज़ को देखा इसका अगर देखोगे इस जगह पे पॉइंट है अगर इस जगह पे तो इसका देखोगे तो 2.9999 इस तरह से आएगा, यानी 0.001 ऐड करते हैं तो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड और ये हो गया राइट हैंड। उसी तरह से नेगेटिव में भी आप इसी तरह से देखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड टेंडेंसी में भी जैसे देखेंगे, मान लिए ये 3 है तो 3 के जब आप देख रहे हैं कि ये राइट हैंड एग्रेसर होगा, ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड होगा। तो आप इस जगह पे समझ रहे हैं कि ये आपके पास जैसे 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हैंड में, तो हो जाएगा इस पॉइंट्स को अगर आप देखना चाहेंगे इस पॉइंट्स को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.9999
माइनस में टू पॉइंट क्या हो जाएगा, 99999 आ जाएगा। इसी तरह से इस जगह पे देखोगे, अगर इस पॉइंट को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इस जगह पे हो जाएगा माइनस में 3 पॉइंट, यानी 0000000 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, ग्रेटर देन और लेस देन को फॉलो करता है, यानी आपके पास राइट हैंड टेंडेंसी और लेफ्ट हैंड टेंडेंसी को इसी तरह से समझा जाता है। तो सबसे पहले कैलकुलस का जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना तक समझ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस चीज़ को, यानी क्या क्या इसमें वैल्यूबल है और क्या क्या वैल्यूबल नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मीनिंगलेस फॉर्म। क्या कहते हैं, मीनिंगलेस फॉर्म, या उसी को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इसमें कौन कौन इनडिटर्मिनेंट, किस कंडीशन में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है, किस कंडीशन में मीनिंगलेस होता है, इस सारी बातों को अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो टेंडेंसी पढ़े थे, तो इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। There are two types of tendency. Tendency. There are two types of tendency. पहला जो आपका आपका होता है left hand tendency. Left hand tendency. टेंडेंसी, और दूसरा होता है आपके पास राइट हैंड टेंडेंसी। राइट हैंड टेंडेंसी, राइट हैंड टेंडेंसी। चलिए देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड टेंडेंसी को जो हम लोग डिनोटेड करते हैं, कोई भी अगर संख्या लेते हैं, जैसे एक्स टेंस टू, इसको रीड करने के लिए टेंस टू पढ़ते हैं, एक्स टेंस टू ये करते हैं, तो लेफ्ट हैंड में इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। राइट हैंड में अगर ले लेते हैं वही चीज़ को, तो इस पर क्या करते हैं, हम लोग प्लस पावर करते हैं, यानी ये जो नेबरहुड होगा ये नेगेटिव का होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। अगर मान लिए कि ये है, जैसे किसी रियल नंबर को ये है, तो ये आपके पास ये भी तो रियल नंबर है, लेकिन कोई डिफिनिट रियल नंबर ले लेते हैं, जैसे एक्स टेंस टू 3 ले लेते हैं, इस पर माइनस हो जाएगा। दूसरा ले लेते हैं एक्स टेंस टू 3, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर चलिए देखिए, इसको जब चेंज करते हैं, ये नेगेटिव होने का मतलब है कि ये 3 का जो रिप्लेस होगा 2.9999 इस तरह का होगा। यानी आपके पास अगर इस जगह पे अगर 3 में क्या जोड़ दे, 0.1111 जोड़ दे, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका जब आप क्या करते हैं कि एक्स टेंस टू के जगह पे 3 के जगह पे आप ऐड कर देते हैं, तो 3.0000000 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी चीज़ को जब हम लोग क्या करते हैं, रेफ्लेस करते हैं, तो इस ये जगह पे, यानी इस वैल्यूबल को हम लोग क्या करते हैं, जैसे 0.001 को कोई एक नया चीज़ का रूप देते हैं, जैसे एच इक्वल टू मान लेते हैं कि 0.000001, तब यही टेंडेंस रिप्लेस होकर बदल जाता है कि एच टेंस टू क्या हो जाता है, 0। तो इस चीज़ पे हम लोग थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि हमेशा लिमिट में दो प्रकार की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, यानी अग्रसर करता है, यानी कि जो भी चेंजिंग होता है, वैल्यू चेंज होता है, टू टाइप्स से होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड टेंडेंसी, दूसरा होता है राइट हैंड टेंडेंसी। तो इस टेंडेंसी को हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे इसमें मीनिंगलेस फॉर्म कितने होते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानेंगे कि इसमें मीनिंगलेस फॉर्म, या उसी को हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसको हम लोग मीनिंगलेस कहने का मतलब है कि वो डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। तो इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। चले गए जी, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो कहते हैं, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 7 मीनिंगलेस फॉर्म, इसी को हम लोग कहते हैं देयर आर आल्सो कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इसी को कहते हैं दूसरे में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट का हिंदी होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, जिसे हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते, वो इनडिटर्मिनेंट रूप है, जिसको हम लोग इन्फिनिटिव का रूप होता है, वही चीज़ है इनडिटर्मिनेंट, उसी से आता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी किसी क्वेश्चन को देखेंगे, तो सबसे पहले उसमें ये सर्च करना है कि क्या उसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या। तो 0/0 अगर होता है तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। दूसरा जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, अगर कोई भी संख्या, कोई भी जीरो को
इन्फिनेटिव के साथ अगर गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में ही आता है। यानी इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव भी होता है तो वो भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म यानी मीनिंगलेस फॉर्म होता है। और कोई भी इन्फिनेटिव के पावर अगर जीरो हो जाता है तो वो भी क्या होता है, मीनिंगलेस हो जाता है। अगर वन पे पावर अगर इन्फिनेटिव होता है तो भी क्या होता है, मीनिंगलेस। यानी वन पे पावर कह के नहीं, वन के जगह पे कोई भी संख्या पावर अगर इन्फिनेटिव होता है तो वो मीनिंगलेस कहलाता है। और नेक्स्ट आपके पास जीरो टू दी पावर इन्फिनेटिव यानी जीरो पे पावर अगर इन्फिनेटिव होता है तो वो भी क्या कहलाता है, मीनिंगलेस कहलाता है। जैसे इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव भी क्या कहलाता है, मीनिंगलेस का ही रूप होता है। अगर कहीं ऐसा कोई पूछ दे कि क्या जीरो पे पावर जीरो हो सकता है, ये भी क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव का ही फॉर्म होता है। यानी जीरो पे पावर भी क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जब इन्फिनिटिव आने की दो कंडीशन होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास किसी चीज़ को डिवाइड करने के टाइम में अगर इन्फिनिटिव आता है तो वो क्या कंडीशन होता है। अगर आपके पास कोई भी संख्या को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं, कोई भी संख्या को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या क्या कहलाता है आपका, इन्फिनिटिव कहलाता है। वो संख्या क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। और कोई भी संख्या अगर आपके पास यानी जीरो बटे वन अगर होता है तो ये क्या कहलाता है, जीरो ही होता है। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं समथिंग, समथिंग बाय जीरो, समथिंग बाय जीरो तो इक्वल टू क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। और जीरो बटे समथिंग यानी जीरो बटे समथिंग अगर हो जाता है, समथिंग समथिंग तो आपके पास जीरो बटे समथिंग होता है तो ये आपके पास क्या हो, क्या कहलाता है कि ये भी क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। इसलिए इस चीज़ को क्लियर करेंगे, कुछ एग्जांपल इसमें समझ लेते हैं कि अगर आपके पास 5 बटे जीरो हो गया तो ये क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। अगर आपके पास 9 बटे जीरो हो गया तो ये भी इन्फिनिटिव कहलाता है। चाहे आपके पास माइनस 9 बटे जीरो क्यों ना हो तो भी क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। और फिर नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपके पास जीरो बटे समथिंग लिखा हुआ है, अगर ऐसा होता है तो ये क्या कहलाता है, जीरो। अगर ऊपर में जीरो और नीचे में कोई भी संख्या होता है, फाइव हो, माइनस में हो या प्लस में हो, क्या कहलाता है, जीरो ही होता है। इसीलिए आप इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपके पास माइनस फाइव हो जाए तो भी क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि नीचे क्या होनी नहीं चाहिए, आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो आ जाता है तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है। अब हम लोग एक टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट जो पहला डिफाइंड करता है, कंसिडर करता है, तो उस चीज़ को पहला टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे पहला जो लिमिट कंसीडर करता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है, x पर पावर 4 माइनस या x पर पावर 2 माइनस 4 बाई x माइनस 2। अगर ये आपके पास है, इस क्वेश्चन का अगर लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात, इसको जब हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू को जो पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे x टेंस टू 2 है, यानी इसका जो x का वैल्यू है 2 है, यानी टेंस 2 पढ़ो या ये जब वैल्यू की पुट करने की बात आ जाती है तो टेंस 2 को हम लोग इक्वल मान लेते हैं। जैसे कि x टेंस टू 2 है तो इक्वल मान सकते हैं, जैसे x बराबर 2। तो अगर इस चीज़ को इस जगह पे डालते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। और फिर चलिए यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 2, तो सपोज देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बाई यहाँ पे 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बटे 0। यानी आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म का रूप आ गया, यानी 0 बटे 0। तो अब इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना है, जितने भी आपके पास लिमिट का क्वेश्चन आएगा उस सारे लिमिट्स में सबसे पहले आप जो x का वैल्यू रहेगा, या x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पाई बाई 6 हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें पुट करके देखेंगे। अगर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, यानी 0 बटे 0 आ जाता है, तब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, के फॉर्मूला के यूज़ करते हैं। नहीं तो सबसे पहले ये चीज़ को सोचते हैं कि जैसे नीचे के आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। अभी अभी हम लोग ने ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में ये चीज़ को सीखा कि अगर 0 समथिंग बटे 0 अगर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव वैल्यू फाइंड आउट कर देता है। इसीलिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए,
अगर ये चीज़ आ जाता है तो समझ जाए कि वो इन्फिनेटिव वैल्यू। तो सबसे पहले ये नीचे वाले जो x माइनस टू है इसको डिलीट करना है। आप डिलीट करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कोई फार्मूला अगर यूज होता है तो फार्मूला भी बना सकते हैं। तो इसको दो तरीका से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए, पहला मेथड लिमिट x टेंस टू टू, इस जगह पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा x माइनस टू। और फिर क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह से आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू टू और फिर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा x माइनस टू, और फिर इस तरह से आपके पास x माइनस टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और फिर आप क्या कर देंगे, लिमिट x टेंस टू टू और फिर इस जगह पे आप क्या कर लेंगे कि x प्लस टू। अब लिमिट का वैल्यू जब पुट करते हैं तो लिमिट को लिखा नहीं करते हैं, लिमिट का वैल्यू क्या है टू है, तो टू प्लस टू कर देंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता है फोर आ जाता है। तो परफेक्ट आंसर क्या आता है फोर। जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन को अगर दिया जाएगा तो उससे सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करेंगे। अगर उसका इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आता है तो उसका नीचे के जो भी संख्या रहेगा उसको जीरो नहीं होना चाहिए, वो रूप लेके आएंगे कि जीरो नहीं होना चाहिए। और जीरो नहीं होने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर उसमें कट रहा है तो उसको ऊपर से कॉमन लेके जैसे भी हो उसको क्या कर देना, हमको काट देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, आपने 5 मान लिया, क्या मान लिया 5 मान लिया, और इस जगह पे आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू। अगर इस तरह का है 3x माइनस 5 या प्लस 5 इस तरह का है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें अगर 5 डालते हैं तो क्या हो जाता है, कोई ना कोई वैल्यू ही आ जाता है, इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है। तो जब लिमिट की वैल्यू पुट करना हो तो डायरेक्ट क्या कर दो, 5 पुट कर दो जिसका आंसर आ जाएगा। तो 5 पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 5 और फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 5, तो 5 5 25 होता है, 5 3 15 और फिर यहाँ पे प्लस 5। अगर इन सारे को एडिंग करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 30 और 15 एडिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 45 आ गया। इस तरह से लिमिट का वैल्यू क्या करेंगे पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। और एक बात ये पहले ही बताना चाहिए था लेकिन क्या करते हैं कि लिमिट को जब भी हम लोग डिनोटेट करते हैं, यानी लिमिट को जब भी डिनोटेट करते हैं, कोई कोई बुक में आपको पास LIM लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो कहीं पे आपके पास LT लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा LT। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं लिमिट का वैल्यू को, लिमिट को डिनोटेट करते हैं। रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज है सारे फार्मूला का स्टडी करेंगे और फार्मूला के साथ साथ जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स for watching video.